हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम जिस वीज़ा के ऊपर बात करेंगे वो है सीजनल वर्कर वीज़ा, जिसे कि हम लोग टेम्परेरी वीज़ा भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा वीज़ा है जिस वीज़ा में आपको कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी एजुकेशन या कोई आयल्स के कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो लोग सोचते हैं कि उन्हें यूके आना है, उन्हें पैसा कमाना है, यहाँ पर आके बहुत काम करना है, तो ये वीज़ा उन्हीं लोगों के लिए है। तो ये सीजनल वर्कर वीज़ा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि 6 मंथ का होता है, जिन्हें टेम्परेरी वीज़ा भी कहते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि आज हम बात करेंगे सीजनल वर्कर वीज़ा के ऊपर। ये वीज़ा यूके में काफ़ी टाइम से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये वीज़ा अभी आया, ये बहुत पुराना वीज़ा है। बट अभी जो नया इस पर अनाउंसमेंट हुई है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। इसमें आज ये दिखा रहे हैं कि पहले जो यहाँ पे जो इंडिया से यूके में लोग जाते थे सीजनल वर्कर वीज़ा पे, वो 40,000 था, जिसकी अब इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाकर अब 40,000 से बहुत ज़्यादा कर दी है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि अब यूके में बहुत काम है, वहाँ की जॉब्स पे बहुत रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, तो इसीलिए उन लोगों ने 40,000 से बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया है। और एग्जांपल वहाँ पे छोटी छोटी जॉब्स होती हैं, जैसे कि फ्रूट पिकिंग हो गया, वेजिटेबल पिकिंग हो गया, फ्लावर्स पिकिंग हो गया, या पोइट्री से रिलेटेड कोई भी काम होता है, तो उन जॉब्स का उन लोगों ने वहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दी है। ये वो सारे काम हो गए जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं। इन कामों के लिए यूके बाहर से लोगों को बुलाती हैं सीजनल वर्कर वीज़ा। तो अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन से कामों के लिए लोगों को बाहर से बुलाया जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे बहुत से काम होते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वेजिटेबल पिकिंग हो गई या फ्लावर्स पिकिंग हो गई, फ्रूट पिकिंग होगी। बट अभी जो यूके ने एक नया स्टार्ट किया है वो है आपका जो ये पोल्ट्री से रिलेटेड कोई काम होता है, जैसे मीट वगैरह से रिलेटेड कोई काम है, या उनके कुछ और पोल्ट्री से जो भी रिलेटेड काम होते हैं, ये सारे काम इन्होंने अभी नए स्टार्ट किए हैं इस ये जो इन कामों के लिए। लेकिन आपको सिर्फ 6 मंथ का ही वीज़ा मिलेगा, जो कि सीजनल वर्क का वीज़ा, 6 मंथ के लिए आप वहाँ जाएंगे और ये सारे कामों के लिए यूके गवर्नमेंट उन्हें वहाँ बुलाती है। तो अब आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, यहाँ पे 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक यहाँ पे डेट डाली हुई है। इन डेट्स के बीच में आप आपका जो भी आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन होगी वो आप सबमिट कर सकते हैं। इन डेट्स के पहले आपको अप्लाई करना है, लेकिन इन डेट्स के बीच में आपको यहाँ पे सबमिट करना है। और ये जो मैंने आपको जितने भी काम बताए हैं, अगर जो ये काम कर सकते हैं वो इन कामों पर यहाँ पर आ सकते हैं। अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी की, इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो इसके लिए कोई ज़्यादा एलिजिबिलिटी नहीं है, बस दो चीज़ें हैं। एक, हमें चाहिए स्पॉन्सरशिप लेटर, जो कि कोई भी एजेंसी हमें किसी कंपनी से दिलवाएगी। एंड सेकंड, हमारी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। 18 से नीचे वाले ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। 18 से प्लस आपकी जितनी भी एज है, आप ये वीज़ा अप्लाई आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और डेट दे रखी है, वो है 15 नवंबर। इन डेट्स में भी अब नवंबर तो निकल चुका है, बट अगर जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर उनको आना है, तो वो अभी से अप्लाई कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर उनका वीज़ा आ जाए नेक्स्ट ईयर नवंबर में। बट अभी जो आपका, क्योंकि इस वीज़ा में मोस्टली ज़्यादा टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है कि वीज़ा बहुत जल्दी आ सकता है या मैं कहूँगी कि बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आप अभी से अप्लाई करते हैं, लाइक आप दिसंबर या जनवरी में भी अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो भी ये जाके आपका नवंबर तक वीज़ा आपका आराम से ईजिली आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोग देखोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके लिए आपको ज़्यादा एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। एक, आपकी एज मैटर करती है, एंड सेकंड, जो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी एजेंसी किसी कंपनी से दिलवाएगी, जो कि 6 मंथ के लिए आपको यहाँ पर आकर एक लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर होता है जो कि कंपनीज देती हैं कि आप 6 मंथ यहाँ आएंगे और उनकी कंपनी में यहाँ जॉब करेंगे। जैसे कि मैंने प्रोसेसिंग टाइम को बताया, तो उसके लिए आपको जो एक मैक्सिमम टाइम दे रखा है वो इन्होंने 3 मंथ्स का दे रखा है। उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बट उससे कम टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि जो इसका नॉर्मल टाइम है वो 3 मंथ्स का ही दे रखा है। कुछ वीज़ा में हम लोग कह सकते हैं कि 2-3% ऐसे वीज़ा हो सकते हैं जिनको 3 मंथ से भी कम टाइम लगे, बट ज़्यादातर इसमें 3 मंथ्स का ही टाइम उन लोगों ने दे रखा है। अब हम बात करते हैं अगर कॉस्ट की, तो कॉस्ट यहाँ पे क्या है कि आपको 259 pounds देने पड़ेंगे, जो कि आपको 6 मंथ के लिए यूके में रहने की आपकी एक फ़ीस है, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस होती है, वो 259 pounds होते हैं। बाकी यहाँ पे क्लियरली आप साइड में देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ मेंशन है कि आप वहाँ जाके यूके में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, तो वो है कि आप वहाँ पे जाके वही जॉब कर सकते हैं जिसका, जो कंपनी आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर देगी, उस लेटर में जो जॉब मेंशन होगी, आप वहाँ जाके वही जॉब कर सकते हैं। एंड सेकंड, आप वहाँ पे जाके थोड़ी अगर आपको स्टडी करनी है या कुछ कोर्स करने हैं छोटे मोटे, तो आप वो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्स भी दे रखे हैं, आप जो कोर्स वहाँ जाके कर सकते हैं उनकी।
अब हम बात करते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप वहाँ जाके कोई भी परमानेंट जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका एक वीज़ा टाइम होता है वो एक 6 मंथ का होता है, इसलिए आप वहाँ जाके कोई भी परमानेंट जॉब नहीं कर सकते। आपको उसी टाइम पीरियड में रह के ही जॉब करनी पड़ेगी। आपको सेकेंड, आपको वहाँ पर कोई भी आपका जो फंड्स का एक्सेस है वो आपको नहीं दिया जाएगा। थर्ड, आप कोई सेकेंड जॉब नहीं कर सकते जो कि आपके स्पॉन्सरशिप लेटर में मैंशन नहीं है। आप ऐसी भी कोई जॉब नहीं कर सकते। एंड थर्ड कि आप जैसे हम किसी भी वीज़ा पर जब हम आते हैं, दूसरे कोई वीज़ा होते हैं उन पर अगर हम जाते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला लेते हैं, बट ये वीज़ा एक ऐसा सीजनल वर्कर वीज़ा है, इस वीज़ा पर आप अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर को नहीं बुला सकते, क्योंकि आप खुद वहाँ पे टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। तो जब तक आप खुद टेम्परेरी है, आप किसी फैमिली मेम्बर को वहाँ पर बुलाकर अपने पास नहीं रख सकते। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके पास फंड्स क्या होने चाहिए, आपके पास अकाउंट्स में क्या होना चाहिए, तो अगर हम फंड्स की बात करें तो आपको जो इसमें दिखाया गया है कि आपको 1270 पाउंड्स आपके पास मैक्सिमम होने चाहिए, वो इंडियन रुपीज़ में करीब 1,25,000 या 1,26 के करीब पड़ता है, वो आपके अकाउंट में ज़रूर होने चाहिए। और ऐसा नहीं है फंड्स नए होने चाहिए एकदम से, आप अगर अकाउंट में पैसा दिखाते हैं या फंड्स नए खरीदते हैं तो वीज़ा आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये फंड, जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में बताया कि जो फंड्स होते हैं वो पुराने होने चाहिए, आपके खुद के होने चाहिए, आप नए फंड्स नहीं शो कर सकते किसी भी वीज़ा के लिए। और बस और यही है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी की तो मैंने आपको बताया, जो भी स्पॉन्सरशिप लेटर होंगे वो आपको देंगे, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना। और मैंने आपको बताया कि जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा आपको कुछ भी इसमें आपके पेपर वर्क नहीं है, कुछ भी आपको ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, कुछ भी ज़्यादा फीस नहीं है, या कुछ भी ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं आपको दिखाने हैं, या अपनी फाइल इससे बेकार की मतलब पेपर से आपको बल्क भी नहीं करनी है। तो अब आप लोगों का मेन क्वेश्चन ये होगा कि वो कंपनीज कौन सी है, वो एजेंसी कौन सी है जो आपको जॉब देंगी या जो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देंगी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यूके गवर्नमेंट की एक साइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप यहाँ मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें साफ इन लोगों ने वो लिस्ट दे रखी है जो कंपनीज़ हैं जो कि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देंगी। वो मोस्टली सिर्फ उन्हीं वही कंपनीज़ हैं जो सिर्फ आपको स्पॉन्सरशिप लेटर्स देंगी, या वो सारे कोर्सेज इसमें आपको दिखा रखे हैं, पूरी लिस्ट दे रखी है कंपनीज़ की, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, पूरा चेक करें, पूरा अप्लाई करें। आपको कोई भी चीज़ किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी यूके गवर्नमेंट ने खुद ने एक साइट बनाई है कि जो भी अगर इस वीज़ा पर यूके आ रहा है तो वो ये सारी चीज़ों को फॉलो करें, इन सब चीज़ों को देखें, एक बार समझें, उसके बाद अपना जो वर्कर वीज़ा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगी, अभी जो टूरिस्ट वीज़ा है या कोई और वीज़ा है, सब वीज़ा में अभी आने में बहुत टाइम लग रहा है। उन वीज़ा में आने में अभी तो 4 से 5 महीने भी लग रहे हैं जो कि टूरिस्ट वीज़ा है। तो जैसे कि मैंने आपकी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यूके गवर्नमेंट अभी चेंज हो रही है, तो इसीलिए वहाँ पर थोड़ा सा जो भी टूरिस्ट यहाँ से जा रहा है या कोई स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहा है या आपके किसी भी वीज़ा पर जा रहा है अगर, तो उन वीज़ा में हर वीज़ा में अभी उनको टाइम लग रहा है। इसलिए आप मान के चलें कि अगर आपको अगले नवंबर तक भी अप्लाई करना है, आपको एप्लीकेशन आपकी सबमिट करनी है, तो आपको अभी से अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें आपका 3 महीने में आ जाए, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने 3 महीने लिखा है, बट हो सकता है आपके 5 महीने, 6 महीने या 7 महीने भी लग जाएं। तो इसीलिए जिसको नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करना है वो अभी से स्टार्ट कर दे अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके सब कुछ करना, ताकि वो ईजिली नवंबर में जा सके। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।